शाहरुख खान की फिल्म पठान को लेकर लगातार हंगामा जारी है। कुछ जगहों पर हमने देखा विरोध भी किया गया, अलग अलग राज्यों से तस्वीरें भी आई। शुक्रवार को गुवाहाटी के नरेंगी इलाके में एक थिएटर में कुछ लोगों ने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए और उन्हें जला दिया। इसी थिएटर में पठान की स्क्रीनिंग होनी थी। इस तोड़फोड़ का आरोप बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लगा है। इस मुद्दे पर कल जब असम के मुख्यमंत्री हेमंत बिस्वा सरमा से एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया तो उन्होंने कहा कि कौन है शाहरुख खान, मैं उनके या फिल्म पठान के बारे में कुछ नहीं जानता, खान ने मुझे फोन नहीं किया है। हालांकि बॉलीवुड के कई लोग समस्या के संबंध में ऐसा करते हैं। आगे उन्होंने ये कहा कि अगर शाहरुख खान मुझे फोन करते हैं तो मैं मामले को देखूंगा और कानून व्यवस्था का उल्लंघन किया गया तो कार्रवाई की जाएगी। सुनवाते हैं आपको उन्होंने क्या कुछ कहा। शाहरुख खान सुपर चिंता कर কিন্তু সিনেমা হলৰ মালিকে মোক ৰিকুৱেষ্ট কৰা নাই, যোনে চিনেমা বনাইছে তেওঁলোকেওতো একো কোৱা নাই। ৰাতিপুৱাৰ পৰা মইতো সবৰে ফোন ধৰো, আমি কিয় চিন্তা কৰোঁ? শ্বাহৰুখ খানেতো ফোন কৰিলেহেঁতেন যদি কিবা তেনেকুৱা সমস্যা আছে। শ্বাহৰুখ খানে যদি ফোন কৰে মই চাই ল'ম কি ইছ্যু আছে। तो कल तक जब वो कह रहे थे कि शाहरुख खान कौन है मैं नहीं जानता, इसके बाद आज हेमंत बिस्वा सरमा ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा है कि बॉलीवुड अभिनेता श्री शाहरुख खान ने मुझे सुबह 2 बजे फोन किया। उन्होंने अपनी फिल्म की स्क्रीनिंग के दौरान गुवाहाटी में हुई एक घटना पर चिंता जताई। मैंने उन्हें आश्वासन दिया कि कानून और व्यवस्था बनाए रखना राज्य सरकार का कर्तव्य है। हम पूछताछ करेंगे और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना न हो। तो यहां पर अब हेमंत बिस्वा सरमा जो है उनके सुर कुछ बदले हुए नजर आ रहे हैं। और शुक्रवार को गुवाहाटी के नरेंगी इलाके में एक थिएटर में कुछ लोगों ने फिल्म के पोस्टर फाड़ दिए थे, उन्हें जला दिया था और आरोप जो लग रहा है वो बजरंग दल के कार्यकर्ताओं पर लग रहा है। और अब हेमंत बिस्वा सरमा जो कल तक कह रहे थे कि वो नहीं जानते हैं कि शाहरुख खान कौन है या उनकी फिल्म के बारे में वो कुछ नहीं जानते हैं, और उन्होंने ये भी कहा था कि उन्होंने फोन नहीं किया, आज उन्होंने ट्वीट किया है कि श्री शाहरुख खान ने मुझे 2 बजे फोन किया। हम जुड़ रहे हैं हमारे सहयोगी रत्नदीप चौधरी के साथ जो इस वक्त गुवाहाटी में मौजूद हैं। रत्नदीप, यहाँ पर हेमंत बिस्वा सरमा के जो सुर हैं वो पूरी तरह से बदले हुए यहाँ पर नजर आ रहे हैं, क्या कुछ वहां पर पठान को लेकर हो रहा है? क्योंकि हम देख रहे हैं अलग अलग राज्यों में प्रदर्शन देखने को मिल रहा था और इनके बदले हुए रुख की वजह भी बताएं। रात की घटना है जब एक गुवाहाटी के सिनेमा हॉल में जो पठान मूवी के जो प्रमोशन पोस्टर्स थे उनको फाड़ा गया और एक पोस्टर में आग भी लगाई गई। ये सिर्फ एक ही घटना हुई है गुवाहाटी में और इस जो वीडियो जब वायरल हुआ था उस घटना का, उसमें हमने देखा कि जो वीडियो में जो लोग आग लगा रहे थे वो लोग जय श्री राम का नारा लगा रहे थे। उन्होंने क्लेम किया कि वो बजरंग दल के सदस्य हैं और इसके बाद कल एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में चीफ मिनिस्टर को जब रिपोर्टर्स ने पूछा कि इस मामले के ऊपर, तो उन्होंने ये कहा था कि शाहरुख खान कौन है मैं तो नहीं जानता हूँ और अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर वाली सिचुएशन होगी तो जरूर राज्य सरकार देखेगी, राज्य पुलिस देखेगी। और ये जो उनका वक्तव्य था वो सोशल मीडिया पे भी छाया रहा, ट्रेंडिंग कर रहा था। इसके बाद आज सुबह चीफ मिनिस्टर हेमंत बिस्वा सरमा ने एक ट्वीट के जरिए ये कहा है कि कल रात शाहरुख खान ने उनके साथ बात की और चीफ मिनिस्टर ने भी ये एश्योर किया है कि पठान मूवी का जब रिलीज होगा असम में तब पूरी उसको सिक्योरिटी दी जाएगी। तो ये मामला इस तरह से तूल पकड़ रहा है अब। जी, बहुत बहुत शुक्रिया रतनदीप इस तमाम जानकारी के लिए। तो अब मुख्यमंत्री ने यहाँ पर कार्रवाई का भरोसा दिया है और ये भी कहा है कि राज्य सरकार का कर्तव्य है कानून और व्यवस्था बनाए रखना और सुनिश्चित करेंगे कि ऐसी कोई अप्रिय घटना ना हो।